आज हम मुरमुरा यानी लाई से, कहीं मुरमुरा कहा जाता है, कहीं लाई कहा जाता है, आपके यहाँ क्या कहा जाता है इसको जरूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनाएंगे, जिसको आप पहले कभी नहीं बनाए होंगे ना खाए होंगे। चलिए देखते हैं कि यह नाश्ता हमारा कैसे बनेगा। इस नाश्ता में हम लेंगे आधा कप बेसन। बेसन पहले से रखा हुआ रहता है तो उसमें छोटे छोटे ढेले पड़ जाते हैं, इसलिए पहले इनको छान लें। छान कर जब इनको खोलते हैं तो एक भी लम्स नहीं पड़ते हैं। डायरेक्ट खोल देने पर बहुत ही घोलने में परेशानी होता है। छान कर हम बेसन ले लिए हैं, इसमें डालेंगे नमक और बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा और पुदीना। अगर पुदीना पत्ती आपको नहीं पसंद है तो इसकी जगह आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। और इन सबको मिक्स करके पानी से इसका एक पतला घोल बना लेंगे। घोल एकदम पानी की तरह बहता हुआ नहीं रहना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा रहेगा। इस हिसाब से इनको हम घोल लेंगे। अभी यह काफ़ी गाढ़ा है इसलिए इसमें कुछ पानी डाल देते हैं और कुछ पतला कर लेते हैं। बाद में यह थिक हो जाएंगे इसलिए इनको पहले पतला रखें। इस तरीके से घोल कर हम बेसन को तैयार कर लिए हैं। चलिए इनको एक साइड में रख देते हैं। बेसन हमारा घर का है, थोड़ा पीलापन कम है इसीलिए इसमें पीलापन के लिए हल्दी डाल देते हैं। अगर मार्केट का बेसन है तो वो तो ऐसे ही पीला रहता है, आप बिना हल्दी के भी इसको आराम से बना सकते हैं, यह पूरी तरह ऑप्शनल है। और बेसन को हम अच्छे तरीके से घोल लिए हैं, अब इसको रख देंगे एक साइड और नाश्ता के आगे की तैयारी करेंगे। यह है लाई। लाई हम एक कप लिए हैं। एक कप लाई में आधा कप बेसन डालते हैं तो परफेक्ट हमारा बैटर बनता है। लाई हमारा देसी लाई है, आप इसके जगह जो मोटा वाला लाई रहता है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन देसी लाई से बनाएंगे तो नाश्ता बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी बनता है। और उसमें घोल कर रखे हुए बेसन को डाल देंगे और डालने के बाद हम चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका बैटर इस तरीके से तैयार करना है जैसे पकौड़ा के लिए बनाते हैं। अभी यह ढीला है यानी अभी कुछ यह गीला है, लेकिन जब इसको हम कुछ देर रख देंगे तो जो बेसन में पानी होता है उसको लाई सब एब्जॉर्ब कर लेगा और यह थिक हो जाएगा। इसलिए आप इसको इस समय कुछ पतला ही रखें। अगर बेसन का मात्रा कम लगता है तो आप और बेसन डाल सकते हैं। अगर बेसन ज़्यादा हो जाता है तो आप इसमें लाई डालकर इसका एक परफेक्ट बैटर तैयार करें, जिससे नाश्ता आपका बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी बने। और इस तरीके से इनको घोल कर हम साइड में 5 मिनट से 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम नाश्ता के आगे की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में ले लेंगे बारीक कटा हुआ शिमला मिर्चा, बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर और हरा मिर्चा। अगर आपके पास मटर है, गाजर है और पत्ता गोभी है, जो सब्ज़ी आप खाना चाहते हैं आपके किचन में है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे आलू। अगर छोटा आलू है तो 2 आलू डालें, अगर मीडियम है तो 1 आलू में यह नाश्ता हमारा रेडी हो जाएगा। आप आलू के जगह पनीर भी डाल सकते हैं। अगर पनीर खाना पसंद करें तो आप पनीर के साथ भी बनाएंगे तो नाश्ता बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनता है। और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है। इसमें नमक 2 लेयर में पड़ता है, एक बार हम लाई में डालते हैं और एक बार आलू में, इसलिए नमक का बैलेंस करते हुए डालें। इन सबको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इनका हम बना लेंगे टिक्की। गोल गोल करते हुए थोड़ा सा फ्लैट करके इस तरीके से टिक्की बना लेते हैं। जितना बड़ा नाश्ता बनेगा उस हिसाब से आप टिक्की को बना लें। टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। और इधर हम देखेंगे कि लाई बेसन के पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करके काफ़ी थिक हो गया है। इतना थिक नाश्ता के लिए सही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ पानी डालकर इनको हम ढीला कर लेंगे। और यह अब परफेक्ट है। इसमें डला हुआ लाई भी आराम से एकदम फूल गए हैं, लेकिन यह नाश्ता ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। और इसके बाद इनको हम बनाने के लिए चल देते हैं गैस पर। गैस पर रख देंगे तड़का पैन। नाश्ता को हम छोटे छोटे साइज में बनाएंगे इसलिए तड़का पैन में बनाएंगे। अगर आपके पास तड़का पैन नहीं है तो आप इनको तवा पर भी बना सकते हैं। तड़का पैन जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम कुछ बूंदे डालेंगे ऑयल के या घी, और इनको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होंगे इसमें हम लाई के बैटर को डाल देंगे। कम से कम 1 बड़ा चम्मच बैटर को नीचे की तरफ डालकर फैला देते हैं और इसके ऊपर रख देंगे टिक्की को। और टिक्की को हम लाई से फिर से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद इनको ढककर 1 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे इसमें का बेसन पक जाए और नीचे से यह काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। जब यह नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे फिर इनको पलट कर उसी पैन में डाल देंगे।
या ऑयल को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो ऑयल पहले डाले रहते हैं उसे भी अच्छे तरीके से ऊपर से भी ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी तरीके से हम और नाश्ता को बनाएंगे। इस नाश्ता को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट ये पक जाते हैं और काफ़ी ऊपर नीचे से अच्छे से सेक कर क्रिस्पी भी हो जाते हैं। यह नाश्ता पूरी तरीके से एकदम नया है, आप लाई को कई तरीके से खाए होंगे, लेकिन आज इस तरीके से नाश्ता बना है जिसको छोटे बड़े सभी पसंद करेंगे। यह नाश्ता हमारा बनके रेडी हो गया है। यह कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना सॉफ्ट है, आइए इनकी हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने से ही पता चलता होगा कि यह कितना अंदर से सॉफ्ट है। अंदर से हम आलू की स्टफिंग किए रहते हैं इसलिए सॉफ्ट रहते हैं, बाहर से यह लाई की वजह से सेक कर काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं। चलिए हम तो बनाकर रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं खाने। इनको हम तोड़कर दिखाएंगे, तोड़ने से ही पता चलता होगा कि बाहर से किस तरीके से अच्छे से क्रिस्पी हैं। अपने मनपसंद चटनी के साथ इस नाश्ता को आप इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा ये रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।